नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के मामले ने तूल पकड़ा। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और भारत सहित विदेशों में भी जैनियों को आक्रोशित कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बागपत उत्तर प्रदेश में जैन अनुयायियों ने मशाल जुलूस निकालकर जैन मुनि के हत्यारों को मृत्युदंड दो जैसे नारे लगाए गए। वहीं जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नाम पर ज्ञापन प्रेषित किया गया। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। में मशाल जुलूस निकाला है, उसका ये कारण था कि हमारे आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी की कर्नाटक के बेलगाम जिले में 5 जुलाई को अपहरण करके नृशंस हत्या कर दी गई। उनके शव टुकड़ों में बोरवेल में मिले, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। हम पूरे जैन समाज में, हिंदू समाज में इसको भारी रोष है और हमने ये मांग की है कर्नाटक सरकार से, कर्नाटक राज्य से, कि इसकी CBI जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर तुरंत फांसी की सजा दी जावे एवं हमारे मंदिरों और साधुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। तो करंट मार के और टुकड़ों में सब के बहुत बारीक बारीक टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया गया, जिसके खिलाफ कर्नाटक सरकार ने अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। हम CBI जांच की मांग करते हैं, दोषियों के खिलाफ कैडी से कैडी कार्रवाई, फांसी की डिमांड करते हैं। इसलिए आज हमने जो ये जुलूस मशाल जुलूस निकाला है और सब एकत्रित हुए हैं, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, MM द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन माननीय SDM के द्वारा भेज रहे हैं ताकि इस पे सख्त कार्रवाई। आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी जो कि कर्नाटक में थे, उनकी 5 जुलाई को नृशंस हत्या कर दी गई और 7 तारीख को उनको कई हिस्सों में जगह जगह पर पाया गया। हत्यारों ने इतनी निर्दयता से उन्हें करंट लगाकर और उनके टुकड़े कर उनकी हत्या की है कि यह बहुत ही दयनीय स्थिति है और इसकी हम विरोध करते हैं और इसका हम खंडन करते हैं और कर्नाटक सरकार से कहते हैं कि हमारे काम कुमार नंदी जी को इंसाफ मिले और उनके हत्यारों को, जिन्होंने इतनी निर्दयता से उनकी हत्या की है, फांसी की सजा हो। हमारे बहुत बड़े मुनि आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज की नृशंस हत्या कर्नाटक हुई है, हम इसकी घोर विरोध करते हैं और इसका पूरे समाज में बहुत ही रोष है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री से यह अपनी मांग रखते हैं कि उन्हें अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति समाज में दोबारा ना हो। हिंदू समाज और जैन समाज इसका पुरजोर विरोध करता है।